वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स डू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ऑफ द पोयम एनिमल्स। दिस पोयम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। पैसेज नंबर वन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, फ्रॉम विच पोयम इज दिस स्टैंजा टेकन? तो ये स्टैंजा कौन सी पोयम से लिया गया है? तो दिस स्टैंजा इज टेकन फ्रॉम द पोयम एनिमल। तो ये स्टैंजा है वो एनिमल्स पोयम के से लिया गया है। नेम द पोएट ऑफ दिस पोयम, तो इस पोयम के पोएट हैं वो कौन है? तो वॉल्ट विटमैन इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। तो वॉल्ट विटमैन है वो इस पोयम के पोएट हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन दिस स्टैंजा? इस स्टैंजा के अंदर है वो स्पीकर है वो कौन है? तो स्पीकर भी पोएट ही है यहां पर। द पोएट इज द स्पीकर, ओके, द पोएट वॉल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन दिस स्टैंजा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु इज आई इन दिस स्टैंजा? जो ऊपर स्टैंजा था उसके अंदर है वो आई है वो कौन था? ओके, तो हेयर आई स्टैंड फॉर वॉल्ट विटमैन, आई है वो वॉल्ट विटमैन के लिए आ रहा है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, तो हु वॉन्ट्स टू टर्न अवे फ्रॉम एनिमल्स? ओके, तो कौन एनिमल से दूर जाना, एनिमल्स कौन है वो ह्यूमन बींग से टर्न करके एनिमल्स के साथ रहना चाहता है? तो वो वॉल्ट विटमैन ही है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु इज आई इन दिस पैसेज? तो आई रेफर्स टू वॉल्ट विटमैन इन दिस पैसेज, तो आई है वो वॉल्ट विटमैन के लिए आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, Whom does they refer here? इस स्टैंजा के अंदर है वो दे किसके लिए आ रहा है? तो दे है वो, देखो आपको बताता हूं कि दे है वो किसके लिए आ रहा है। तो अगर इस स्टैंजा को हम पढ़ते हैं, दे आर सो प्लेसिड, तो दे है वो एनिमल्स के लिए आ रहा है। ओके, दे आर सो प्लेसिड, हु आर प्लेसिड, हु आर पीसफुल, प्लेसिड एयर मीन्स पीसफुल, सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सेटिस्फाइड, तो दे है वो एनिमल्स के लिए आ रहा है। दे रेफर्स टू एनिमल इन दिस पैसेज, तो दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ डू एनिमल अपियर टू द पोएट? एनिमल्स हैं वो पोएट को कैसे लगते हैं? द एनिमल्स लुक पीसफुल एंड सेल्फ सेटिस्फाइड टू द पोएट, एनिमल्स हैं वो पोएट को बड़े ही शांत, ओके, यू कैन राइट काम ऑल्सो, क्वाइट ऑल्सो, ओके, एंड सेल्फ सेटिस्फाइड टू द पोएट, वो संतुष्टि वाले लगते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विद हुम डज द पोएट वॉन्ट टू लिव विद, वाई? कवि है वो किसके साथ रहना चाहता है और क्यों? द पोएट वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स एज दे आर ऑलवेज पीसफुल एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। कवि है वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है क्योंकि एनिमल्स हमेशा ही शांत और संतुष्ट रहते हैं, ओके, आत्म संतुष्टि होती है उनके अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स काम और पीसफुल? इस स्टैंजा के अंदर है वो कौन सा वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है काम या पीसफुल? तो वो है प्लेसिड, ओके, प्लेसिड मीन्स काम और पीसफुल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर टू, ओके, थर्ड स्टैंजा वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। यस, दे आर सॉरी दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस, दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, नॉट वन नेल्स टू अनदर नॉर टू दिस काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो दिस पोयम इज, आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट वीडियो दैट दिस पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स। तो यहां फ्री वर्स यूज हुआ है, फ्री वर्स मीन्स व्हेन देयर इज नॉट एनी राइम इन द पोयम, ओके, व्हेन राइम इज एब्सेंट, व्हेन रिदम इज आल्सो एब्सेंट, दैट टाइप ऑफ पोएट्री वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉल्ट विटमैन, ओके। हियर पोएट्री अप्रोक्सीमेट्स द प्रोज, जो पोएट्री है वो प्रोज के ही अप्रोक्सीमेट करती है, प्रोज जैसी ही होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, टू होम
डज दे रेफर इन दिस स्टेंजा, तो इस स्टेंजा के अंदर दे किसको रेफर कर रहे हैं, तो अगेन दे रेफर्स टू द एनिमल्स, दे है वो एनिमल्स के लिए आ रहा है। हु डू वीप फॉर देयर सिंस, सिंस का होता है बुराई, वीप रोना होता है, तो अपनी अपने द्वारा बुरा काम करने पर कौन रोता है, ह्यूमन बींग्स वीप फॉर देयर सिंस, ह्यूमन बींग्स है वो अपने सिन पर रोते हैं, अपने बुरे काम के ऊपर रोते हैं। हु डोंट वीप फॉर देयर सिंस, अपने बुरे काम पर किसको नहीं रोना पड़ता, एनिमल्स डोंट वीप फॉर देयर सिंस, एनिमल्स है वो नहीं रोते क्योंकि एनिमल्स बुरा काम करते ही नहीं है। वट डू एनिमल्स नीड नॉट शो फॉर देयर डेड, एनिमल्स को अपने डेड पूर्वजों के लिए क्या कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती, द एनिमल्स नीड नॉट शो रिस्पेक्ट फॉर देयर डेड, एनिमल्स को अपने मरे हुए पूर्वजों के लिए रिस्पेक्ट शो करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हम हैं वो कोई, हमारा पूर्वज एक्सपायर हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर हमें उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, उसकी फोटो लगाते हैं बड़ी सी घर के अंदर, मूर्तियां भी बनाते हैं लोग उनकी, तो इस प्रकार से। हु डोंट पोजेस मैनिया फॉर ओइंग थिंग्स, मैनिया मीन्स होता है मैडनेस, किन के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें रखने का पागलपन होता है, एनिमल्स डोंट पोजेस, हु डोंट पोजेस, किन के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें रखने के लिए, मटीरियलिस्टिक चीजें रखने के लिए एक प्रकार से पागलपन नहीं होता। ओके, तो एनिमल्स डोंट पोजेस मैनिया फॉर ओइंग थिंग्स, तो ये एनिमल्स हैं वो चीजों को पोजेस नहीं करना चाहते। वाई डू एनिमल्स नॉट पोजेस मैनिया फॉर ओइंग थिंग्स, एनिमल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने का पागलपन है वो क्यों नहीं होता, इट इज बिकॉज दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड विद देयर लॉर्ड, क्योंकि वो अपने भाग्य से संतुष्ट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हु नीड नॉट नेल बिफोर देयर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, ओके, फोर फादर्स, तो एनिमल डोंट नेल बिफोर देयर एंसेस्टर्स, एनिमल्स को अपने पूर्वजों के सामने घुटनों के बल है वो झुक कर बैठना नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टू पैसेजेस वी हैव डन, लास्ट पैसेज एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।